पे भीषण आग लग गई और बताया गया कि आग झुग्गियों में लगी और ये आग इतनी भीषण थी कि उसने करीब 70 से 80 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगने की वजह से इलाके में धुआं भी फैल गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद दमकल की 25 गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। बताया गया कि वहां पर सिलेंडर में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 70 से 80 के करीब झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग कैसे लगी इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। दो तस्वीरें किस तरीके से भीषण आग लगी थी। हालांकि काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने के लिए, करीब 20 दमकल की गाड़ियां इस कोशिश में जुटी और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। मटेरियल सब में स्टोरेज है और बड़े हैबेजर्ड वे में है। ज़रा हमारी गाड़ियां भी पीछे सारी फंसी हुई थी, उसको एक एक करके निकाल रहे हैं। और ये तकरीबन 2-2.5 एकड़ का ये लैंड है जिसके अंदर ये पूरी झुग्गिया है, झुग्गिया का हो या सेमी प्लाट है ऐसे कुछ करके है। और पहले रिपोर्टिंग मिला था कि 3-4 बच्चे जो छोटे बच्चे उनकी मिसिंग की वो थी, लेकिन वो सभी निकाल दिए गए। कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं? कैजुअल्टी कोई नहीं है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कृषि विभाग के दफ्तर में तोड़फोड़ की। आरोप है कि कोरोना काल में वहां के किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जिसका विरोध करने के लिए एमएनएस के कुछ कार्यकर्ता कृषि विभाग के दफ्तर पहुंच गए और उन्होंने वहां खूब तोड़फोड़ की। एमएनएस के ये कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने वहां रखा स्टूल और कंप्यूटर उठाया और दफ्तर में लगे शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। इस दौरान इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। यही नहीं, तोड़फोड़ करने के बाद भी ये लोग अपनी पार्टी के नाम के नारे लगाते रहे और बेधड़क होकर दफ्तर से बाहर निकल आए। हालांकि इस बारे में पता चलने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और हंगामे में शामिल एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। मनसे के कार्यकर्ता के ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी,